होता है। होगा समाचार में बता रहा था कि 5 करोड़ का था। तो गवर्नमेंट अब वास्तव में उतारू हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं तो जितना धांधली होता है। इधर देखो अभी अंबानी धांधली किया है, अंबानी अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का भाई, हाँ वो बहुत बड़ा कांड किया है, पता है कि नहीं? नहीं अरे वही तो सबसे बड़ा कांड है अच्छा देश का, आर्थिक कांड सबसे बड़ा कांड है। अनिल अंबानी को बैन कर अच्छा दिया गया है, 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है कि आप कहीं ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप शेयर न खरीद सकते न बेच सकते हैं, उसकी कंपनी को भी पकड़ लिया गया है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। उसका ट्रेड में बंद हो गया क्या एकदम? हाँ उसका ट्रेड ही बंद कर दिए क्या हाँ और किया था? अरे बहुत जबरदस्त किया था वो, किया था वो, बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है कि उसके जैसे कितने लोग कर रहे हैं, हाँ कर उससे रहे बड़ी बात तो कर यह रहे है कि और ये कैसे हो रहा था, ये सरकार की मिलीभगत से हो रहा था। बिना सरकार की मिलीभगत के कोई अपराध हो ही नहीं सकता है, जान लो संगठित हाँ हाँ रूप से। जी 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 यही देख के समाचार सुन रहा था जी उसको जानना बहुत जरूरी है, अनिल अंबानी वाला घोटाला। हाँ हाँ, इसलिए जरूरी है क्योंकि किस तरह से घोटाला किया जा रहा है, उस उन लोगों ने कौन से टेक्निक निकाली थी, जी वह बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये सब जो है लाखों करोड़ रुपया जो है गबन कर रहे हैं, हाँ गुरु जी और किसका गबन कर रहे हैं, आम लोगों का ही ना कर रहे हैं कि और किसका कर रहे हैं। अच्छा है वो पैसा तो सब आमे लोग का ना है, उत्पादन हाँ सामान्य जनता ने करती है, क्यों का करते हैं? हाँ उसका भी समाचार जो है सुन लेना। हाँ अभी कोशिश करूंगा कि निकले वो देखूंगा। हाँ, उसका समाचार सुनना आर्थिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण समाचार है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो किस स्टाइल से घोटाला कर रहा है और उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां कर रही है, वो जानते हो क्या करते थे सब? जैसे कि बैंक से लोन ले लिया, ठीक ना, और कई कंपनी बना लिए थे सब। हाँ अब लोन ले लिया, अब बैंक को क्या है, किस जमा करना होता है। जी हाँ, तो वे लोग क्या जी करते थे कि रोटेशन से किस जमा करते थे, हाँ जैसे कि उसने मान लो कि 50 कंपनी बना ली, ठीक ना, तो जी जी अब 27 बनाया था शायद उसने। तो उसने क्या किया कि अब जैसे एक कंपनी जब किस्त का समय आया तो जाके बैंक में किस्त जमा कर दिया, ठीक ना, जी और वही जी और 27 कंपनी बनाया दूसरी कंपनी वाले जाकर के फिर वहां से लोन ले लिए अरे उसी पैसा को, समझे। जब उसका फिर किस्त जमा करने का समय आया था, फिर जो है वो जाके लोन वहां जाके किस्त जमा कर दिया, फिर तीसरी कंपनी बना करके फिर उसका लोन ले लिए। अरे हाँ, और इस तरह से लोन लेते रहते थे, वही पैसा कभी देते ही नहीं थे, और टोपी उसी को पहनाते थे। घुमाते थे हाँ, उसी को घुमाते रहते थे सब, और नया नया लोन लेते रहते थे अरे ये सब जान। उसी को हमने इसका एक निष्कर्ष निकाला है। हाँ हाँ, इसका समाधान मैंने सोचा कि इसका समाधान क्या हो सकता है तो शेयर मार्केट में पैसा को लगाते थे। हाँ, अपने कंपनी में लगाते थे, शेयर में लगाते थे। और ये इन लोगों ने एक और चीज किया हुआ था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ना, बहुत वो बनाया हुआ था, मतलब इन्फ्लेटेड बनाया हुआ था, मतलब दाम बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया हुआ था। जी हाँ, जैसे मान लो कि उस प्रोजेक्ट में एक पंखे की जरूरत है, तो पंखा
तो बाजार में मिल रहा है 300 रुपये का, तो दिखलाएगा 3000 रुपये का। इस तरह का सब चीज का, जिस मशीन का दाम जो है 1 लाख रुपया है, उसको दिखला दिया 10 लाख रुपया। इस तरह से हर चीज की उसमें जो जो चीज लग, लग, लग रही थी कंपनी में, उसका बहुत बहुत दाम दिखला दिखला करके उसका सब जो है वो ले लिए सब। उसके आधार पर लोन ले लिए हैं सब, ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिए हैं। और सब ये सब कहाँ से होता है? ये सब सब पैरवी से होता है। बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उनको भी चंदा देते हैं, तो अब भाई जो चंदा नहीं देता है तो देखे नहीं, जो लोग चंदा नहीं दे रहे थे ना, जो मतलब जो भाजपा में जो नहीं दे रहे थे पैसा, हाँ पता है सब, तो जो है पैसा नहीं दे रहे थे तो बस उसके खिलाफ में जो है उसको नोटिस जारी करवाते करके उसको दबा बना देते थे। जो पैसा दे, हाँ। जो चंदा दे दिया ना, उसका धंधा भी बढ़वा देते थे। तो बिना नेता के तो सपोर्ट के तो कुछ कर ही नहीं सकता कोई देश में, जान लो। ये पब्लिक का पैसा बचाने का एकमात्र सबसे आसान सा उपाय है हमारी समझ में जी। बहुत आसान सा उपाय है। हाँ जी। हाँ मैंने सोचा कि बहुत सिंपल से सिंपल, उससे सिंपल कुछ नहीं, कि अच्छा। जो भी सरकारी बैंक है, हाँ। वे आम जनता को लोन देंगे, प्राइवेट कंपनी को लोन नहीं देंगे। पब्लिक जो भी कंपनियां अच्छा, है उसको अच्छा। लोन नहीं देंगे, सिर्फ जो है जो प्राइवेट बैंक है वे देंगे लोन, उनसे लो लोन। प्राइवेट कंपनियां जो होती है ना, वो तो एक एक नस निकाल लेती हैं, और उसके बाद जो है वो जो है उसके जितना लोन लोगे ना उतना वो रखवा लेंगे गिरवी, वहां धांधली नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट बैंक में धांधली नहीं कर पाएंगे आप। अरे तो कैसे होगा, जैसे ही देश आजाद हुआ 47 में सब कानून में बनवा लिए। अरे वो कानून में बदलाव कर देगा कि भाई ये जो है जो नेशनलाइज बैंक है वो लोन नहीं देगी कंपनियों को, कॉरपोरेट घरानों को, वो जो है सिर्फ आम लोगों को देगी। पब्लिक के ये सब बैंक है तो पब्लिक को देगी, और प्राइवेट कंपनियां जो है वो प्राइवेट बैंक से दिया करें। हाँ सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन सत्ता ऐसा नहीं चाहेगी, सत्ता चाहेगी वो बात अलग है, लेकिन उसका मतलब निदान तो है ही, आसान सा निदान है। वो तो प्राइवेट बैंक जो है ना, उनका खुद ही नष्ट तोड़ देंगे सब। हाँ वो तो चूसना शुरू कर देंगे ना बैंक को ना। हाँ वो बैंक जो है ना उनके नष्ट तोड़ देंगे, वो सब जो है ना उनके सब धांधली निकाल देंगे, क्योंकि वो देव देव को पहचानता है। अरे बैंक तो उसी को चूस देगा। हाँ और जो हाँ और वो बिजनेस देगा भी लोन, तो बिजनेस को देगा, व्यक्ति को नहीं देगा। काम को देखते देखते देंगे, ये नहीं कि आप परव्यूर भी करा के लाए कहीं से, वो आपको दे दिया, बस आप इधर से उधर खेला कर रहे हैं। अरे वो जाके सर्वे करते हैं सब, देखते हैं कंपनी सब। हाँ कि आप कहाँ से खरीदे, कितना में खरीदे, क्या बिजनेस चल रहा है, तो ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था ना। केवल पेपर जमा करो हो जाएगा। हाँ पेपर जमा करो, जो उसका प्रमोटर है उसको दे देते थे कि हाँ भाई ले जाओ अब तुम। तो अनिल अंबानी जो है इस तरह से जो है मजा कर रहा था। हाँ इस तरह से मजा कर रहा था, और वही नहीं कर रहा था, उसके जैसे जैसे कितनी कंपनियां हैं जो मजा कर रही है। हाँ अरे ये घोटाला जानते हो 8,800 करोड़ का है अंबानी वाला। हाँ अनिल अंबानी वाला 8,800 करोड़ का घपला है। और इस तरह से अनुमान है जो मतलब ये रिपोर्ट बता रहे हैं सब पत्रकार साहब, तो वो बता रहे हैं कि इस तरह से 27,500 कंपनियां हैं ऐसी। अरे बाप रे बाप। हाँ और वो इस तरह का घपला कितना कर रहे हैं जानते हो? 10 लाख करोड़ के लगभग घपला कर रहे हैं। अरे हाँ ये हंसी मजाक की बात नहीं है, 10 लाख करोड़ समझ रहे हो, देश का कितना जो है खत्म कर देंगे सब ये सब।
अरे 10 लाख करोड़ बहुत ना होता है, बहुत है, 10 लाख करोड़ है, कोई छोटा मोटा नहीं है। हाँ, 1-2 करोड़ की बात नहीं है। ये 809 करोड़ जो है म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ था, और 1610 करोड़ रुपया जो किस्त वाला जो है ना उसको घुमाते रहता था। और 1935 करोड़ अनिल अंबानी का, 1935 करोड़ रुपया रजिस्टर ही नहीं था, मतलब पता नहीं है कि 1935 करोड़ रुपया गया कहाँ। जी जी, मतलब उसके वहां खुद दर्ज नहीं है, सोच लो कितना कैसे, कितना बड़ा घपला हो रहा था, कितना खा रहे थे सब। अब बड़े आराम से कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं। हाँ, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में क्या लगता है, 10,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ, कोई देखता है नहीं कंपनी पेपर में है कि कहीं जमीन पर भी है। अरे देखने का तो देखेंगे सब, लेकिन देखने का ऑर्डर मिले तो अपने नेताओं से, वहाँ पैरवी करा के सब वो कर देते थे सब। अब ये प्रोजेक्ट कितना मतलब फिजिबल है, कितना सही होगा, ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, टेक्नोलॉजी सही है कि नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इससे जो उत्पादन होगा वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। हाँ, इन सब चीज को भी तो देखना होता है बैंक को। और हाँ। और सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, जो बनाता था जिन जिन कंपनियों से बनाता था, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं उसका आता पता है, कोई उसके पर मुकदमा दर्ज नहीं है। जो उसमें ऑडिटर होता था ना, हिसाब किताब करने वाले सब सब जो होते थे कंपनियों के, वही उसका कंसल्टेंट भी है, वही उसका फीस भी ले ले रहा है। अपने ही मतलब खुदे चोर, खुदे जज, खुदे सब हो जा रहे थे सब। वही कंसल्टेंट है, वही ऑडिटर है, वही सब प्रमोटर है। चलिए, कोई क्या कर लेगा, जब उद्योगपति राजनेता सब मिले ही हुए हैं तो अपना करें। आम लोग को क्या, आम लोग तो खाली जाति 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 कि हमको इस फलना जाति को देना है, जान नहीं रहे कि क्या कि कितना लूटा जा रहा है तुमको, कुछ जान ही नहीं रहे ना, एकदम नहीं जान रहे हैं। समझाने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं। जान रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जानना चाहते भी नहीं है, और जानने पर मानते भी नहीं है ना इसका। वो अपने ये सोचते हैं कि वो दूसरे का ले गया, बैंक का ले गया, ये ऐसा सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि अरे बैंक का कहाँ है, तुम्हारे हमारे पैसा से ना बैंक है, और कहाँ से बैंक है। हाँ, और जितने भी वहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो उसमें अपॉइंट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जो बाहर से, वो भी जो है जो उसका मालिक होता है ना, उसी का जो कोई यार दोस्त मित्र होगा वही उसमें रहने रखा जाता है, तो नाम मात्र अपने हित। हाँ, को अरीबी करीब बस बस, वो खाली यस मैन होते हैं। हाँ हाँ, सिर हिलाए अपना, जो कहे उसी में सिर हिलाए, बस सब हर चीज पास होते गए। उसके सिर हिलाने के लिए भाई उसको भी कुछ पैसे दे देते हैं सब, उसको भी पैसे दे देते हैं, सरकार को भी भाई कमीशन चला ही जाता है, मंत्रियों को चला जाता है। हाँ, अरे प्रधानमंत्री तक जाता है, सब जाता है, टोटल पूरे पार्टी फंड को जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है इस तरह का अधिकार देना चाहिए कि भाई जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब हैं उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो, उसमें हस्तक्षेप करे, उसको देखे जांचे कि हाँ भाई पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं, बिजनेस सही रन कर रहा है कि नहीं, टेक्नोलॉजी सही है कि नहीं, हाँ किस्त दिया जा रहा है कि नहीं सही। अब वही किस्त को घुमा रहे हैं सब कंपनी बना बना करके, देखो कैसा कैसा सिस्टम निकाले सब। हाँ, तो ये इतना जो अब घपला है, अब इस पर जो है सेबी ने वो किया है, प्रतिबंधित किया है, इन लोग को रोका है। हाँ, लेकिन अब ये पैसा इनसे कैसे वसूला जाएगा, इतना सवाल तो ये भी है। अरे सेबी में जब खुद उसी तरह के लोग हैं तो। हाँ, सहारा वाला जितने निवेशक है सेबी कुछ पैसा ले लिया है, कहाँ दे रहा है सेबी।
नहीं, कुछ लोगों को मिला है पैसा, बहुत कम लोग को, और सब रोक के रखा ही हुआ है। तो ये इस तरह, अब ऐसे इस तरह से ये सब सफल हो जाते हैं ना, तो क्या है, सबको इसी तरह से प्रेरणा मिलती है कि चलो भाई हम लोग भी कंपनी बना लेंगे और हम लोग भी जो है इस तरह से कर लेंगे। बहुत लोग इस तरह से देख करके, हाँ वहाँ एक ट्रस्ट बना है, उसमें बहुत पैसा है, चलो हम भी एक ट्रस्ट बना ले। हाँ वहाँ एक कंपनी बननी है, कंपनी वाले से घोटाला कर रहे, चलो हम भी एक बना ले कंपनी। इस तरह की प्रेरणा लोगों को मिल रही है। आखिर सरकार से जो है इन लोगों ने इतना छूट करवा लिया है, घूस दे दे करके कानून बनवा लिया है, तभी तो हाँ सरकार टाइट होगी तो कहेगी अरे आप लोग बिजनेस ही नहीं करने दे रहे हैं तो कैसे जो है अर्थव्यवस्था चलेगी। हाँ ढील दीजिए, इतना टाइट रखेंगे तो कैसे चलेगी, और ढील दीजिए तो ये लोग घोटाला करेंगे। उसके बावजूद फिर इनको छूट भी चाहिए बहुत तरह की, घोटाला करेंगे वो अलग और छूट इनको चाहिए उसको अलग, तब ना बिया किए धरे सब जो है करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों करोड़ों का महल बना रहे हैं। विदेशों में जमीन खरीद रहे हैं, अरे विदेशों में कंपनियां बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी गहना वहना सब एक से एक, सब चीज दुनिया में जो कीमती कीमती चीज है सब इनके पास है। जी अब जितना हो सकता है हम लोग तो अपना जो कर्तव्य कर्म है करेंगे, हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से इन सब बातों को रखें, कहें, जहाँ भी हो सकता है कुछ जो भी कुछ जागृति होगी क्या किया जाएगा। जी हाँ, अरे गवर्नमेंट बैंक को लोन ही देना वो बंद कर देगा ना, उसी का वो किया जाए तो सब वो हो जाएगा, मामला हल हो जाएगा। प्राइवेट बैंक वाले काहे को करेगी बंद, अरे ये सब जो है जो धरना प्रदर्शन करते हैं जो वो करते हैं तो ये लोग इसी आधार पर जो है वो कर सकते हैं ना, लेकिन करेंगे एक भी कोई पार्टी वाले भारत बंद तो फलना बंद तो ढकना बंद फालतू बातों में जो करते हैं, जो मुख्य बात है मुख्य मुद्दा है उस पर कुछ भी नहीं कोई बोल रहा है। इस गोरख ढंग से हर पार्टी को लाभ लेना है। हाँ ये बात तो है, इनको भी उम्मीद है ना कि भैया हम भी सत्ता में जब आ जाएंगे तो हम भी अपना ये काम शुरू करेंगे, अपना व्यवसाय जिससे लोग लाभ ले रहे हैं हम भी लेंगे। तो या जिस राज्य में है सत्ता में वहां तो मिल ही ना रहा होगा, ये थोड़ी हाँ। रहा होगा जी।